नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। ग्रेटा थनबर्ग पर दिल्ली पुलिस द्वारा FIR दर्ज की जा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेटा पर सेपरेट FIR दर्ज की जा सकती है। ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे ट्वीट में एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था जिसमें भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कार्य योजना साझा की गई थी और 5 चरणों में दबाव बनाने की बात की गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। चीन से पिछले कई महीनों से सीमा पर चल रहे तनाव के बीच एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने कहा कि राफेल की चुनौती से चीनी कैंप में खलबली मच गई है। वायुसेना चीफ ने कहा, पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के साथ हुई हिंसा झड़प के बाद दोनों देशों में विवाद इतना बढ़ गया कि चीन ने सीमा पर J-20 लड़ाकू विमान तैनात कर दिया था, लेकिन जब हमने इस क्षेत्र में राफेल तैनात की तो पीछे हटने को मजबूर हो गए। वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने कहा कि सीमा पर तनाव कम करने के लिए सैन्य कमांडर सत्तर की बैठक चल रही है। भारत हमेशा से ही सीमा पर शांति चाहता है, लेकिन चीन अपनी सेना को पीछे हटाने को तैयार नहीं है। सीमा पर जितनी फोर्स की जरूरत है हमने तैनात कर दिए है। हमारी तरफ से बातचीत पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अगर पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू होती है तो यह अच्छा होगा, लेकिन अगर कोई नई स्थिति पैदा होती है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान से बढ़ते हवाई खतरे के बीच राफेल के बाद भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने देश में ही 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीदी को मंजूरी दे दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजस की खरीद का यह फैसला मील का पत्थर साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, तेजस चीन और पाकिस्तान के JAF-17 लड़ाकू विमानों के मुकाबले कई ज्यादा बेहतर है। बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 की शुरुआत बेंगलुरु में हो चुकी है। इस एयर शो में लगभग लोग घर बैठकर शामिल हो सकते हैं। कोरोना की वजह से पहली बार वर्चुअल एंट्री की व्यवस्था भी की गई है, यानी एयर शो के साथ साथ वहां लगने वाली सारी एक्टिविटीज घर बैठे देखा जा सकता है। 13वें एयर इंडिया शो में देश विदेश की 600 कंपनियां शामिल हो रही है। इसमें 14 देशों की 78 कंपनियां शामिल होंगी। इस वर्ष 203 कंपनियां वर्चुअल रूप में अपने हथियारों और दूसरे सैन्य सामान प्रदर्शित करेंगे। वर्चुअल होने की वजह से इसे हाइब्रिड मोड एग्जीबिशन नाम दिया गया है।